दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। मेरा नाम मदन है, मैं एक डॉक्टर हूँ। 5 साल पहले की बात है, जब मैं रात के करीब 12 बजे अपने घर लौटा। घनघोर अंधेरा और तेज़ बारिश हो रही थी। मैं घर पहुँचा ही था कि अचानक ही कोई ज़ोर ज़ोर से मेरे घर के दरवाजे को खड़काने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर एक 20 से 22 साल की लड़की खड़ी है। उसने कहा, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, आप प्लीज़ चलकर उन्हें देख लीजिए। मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि मैं रात को कोई मरीज नहीं देखता, लेकिन वह गिड़गिड़ाने लगी। मुझे उस पर तरस आया। मैंने सोचा कि चलो जाकर देख ही लेता हूँ। सुनसान सड़कों से होते हुए हम 7 किलोमीटर दूर एक कस्बे में जा पहुँचे। उस लड़की ने मेरा बैग उठाया और मुझे एक मकान के अंदर ले गई। वहाँ मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी हालत तो बहुत गंभीर थी। जब मैंने उसकी नब्ज़ को टटोला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसमें जीवन का कोई लक्षण ही नहीं है। जब उसे होश आई तो वह कुछ बड़बड़ाने लगा। वो क्या बोल रहा था मैं कुछ समझ नहीं पाया, तो मैंने उसे एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ दे दी और वापस घर के लिए निकल गया। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल के लिए निकला तो सोचा कि रात वाले मरीज को देखता चलूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह मकान मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने आसपास के लोगों से उस मकान के बारे में पूछा तो वह मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगे। फिर एक बुज़ुर्ग ने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई परिवार नहीं रहता, कल रात आपने जिनका इलाज किया वो इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं जो अक्सर लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। शायद आपने उनका इलाज किया इसलिए आप बच गए, वरना वह तो आपको मार डालते। उसकी बातों पर तो मुझे ज़रा भी यकीन नहीं, इसलिए मैं बस्ती के कुछ लोगों के साथ उस जगह पर गया और वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस मकान की जगह एक पुराना खंडर था, चारों तरफ गंदगी और मकड़ी के जाले। वहाँ मेरी गाड़ी के पहियों के निशान साफ साफ दिख रहे थे और एक कोने में मेरा दिया हुआ इंजेक्शन और दवाइयाँ पड़ी थी। बिना समय गंवाए मैं तुरंत वहाँ से भाग निकला और घर वालों को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। आज भी ये घटना मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। मेरा नाम जतिन है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे पिताजी के साथ घटी थी, कुछ साल पहले की बात है। मेरे पिताजी नगर काउंसिल अचलपुर में नौकरी करते थे। उनकी ड्यूटी परतवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गौरखेड़ा के नाके पर लगी थी। उस रात करीब 1 बजे वह ड्यूटी के लिए निकल गए। वहाँ पहुँच कर उन्हें कुछ ही दूर एक बस दिखाई दी। वो बस काफ़ी पुरानी लग रही थी। वह नाके पर आकर रुकी तो उसका कंडक्टर उतर कर देखने लगा कि नाके पर कोई आया है या नहीं। पिताजी ने देखा कि नाके से बाहर कोई नहीं आया तो वह खुद ही अंदर चले गए और देखा कि उनका साथी गहरी नींद में लेटा हुआ है। पिताजी ने उसे जगाया और कहा कि बाहर बस खड़ी है और तुम यहाँ सो रहे हो। वह आदमी चौंक कर उठा और बोला, भाई साहब बाहर तो कोई बस नहीं है और ना ही मैंने कोई आवाज़ सुनी। मेरे पिताजी ने जब बाहर देखा तो वहाँ वाकई कोई बस नहीं थी। ये सब देखकर मेरे पिताजी बेहद घबरा गए। जब उन्होंने गांव वालों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आज से 15 साल पहले यहां पर एक बस का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी यात्री मारे गए। तब से लेकर आज तक कई लोगों को उस बस के साथ ड्राइवर और कंडक्टर का छलावा नजर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कुछ ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं।